देश आज मना रहा रोशनी का त्योहार दिवाली। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। लोगों से प्रदूषण को लेकर सावधानी बरतने का आग्रह। दिवाली मनाने लोंगेवाला बॉर्डर पहुंचे पीएम मोदी। सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी मौजूद। जैसलमेर में मिलती है भारत पाकिस्तान की सीमा। आज अक्षरधाम मंदिर में दिवाली मनाएंगे सीएम केजरीवाल, पूरा मंत्रिमंडल होगा शामिल। सीएम ने लोगों को घरों में ही रहकर दिवाली पूजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। नीतीश कैबिनेट पर बीजेपी में मंथन शुरू, सुशील मोदी दिल्ली बुलाए गए। कैबिनेट के गठन में बीजेपी कोई समझौता करने के लिए राजी नहीं। और नीतीश ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, एक दिन बाद हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश। ओवैसी की बंगाल में एंट्री पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कैलाश विजयवर्गीय बोले पार्टी के पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने से बीजेपी को नहीं पड़ेगा कोई फर्क। और बीजेपी ने जारी की राज्य प्रभारियों की लिस्ट, भूपेंद्र यादव और विजयवर्गीय को मिला इनाम। प्रवक्ता संबित पात्रा को मणिपुर का प्रभारी बनाया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा प्रहार, बोले बिहार में बेईमानी से बनी बीजेपी गठबंधन सरकार, चुनाव आयोग को करनी चाहिए जांच। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बेनतीजा रही 7 घंटे चली बैठक, कृषि मंत्री बोले तुरंत हल निकलना मुश्किल, किसानों ने भी दिखाई आंख। और दिल्ली और आसपास बड़ा वायु प्रदूषण, सांस रोगियों को हो रही दिक्कत। गुरुग्राम में AQI 324 और फरीदाबाद में 319 रहा। और डोनाल्ड ट्रंप के तख्तापलट से सेना की दूरी, यूएस जनरल बोले किसी तानाशाह के प्रति नहीं है वफादारी। डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन को मिला है बहुमत। और पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन बना रहा अत्याधुनिक फाइटर जेट, भारत की बढ़ेगी टेंशन। युद्धपोत और किलर सबमरीन भी बना रहा है चीन। और चीनी मीडिया का बड़ा दावा, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से भारत पहले हटाएगा सेना। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत के 6 दिन बाद चीन ने दी बधाई, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा चीन अमेरिकी लोगों की पसंद का सम्मान करता है। पाक पीएम इमरान खान का नवाज शरीफ पर आरोप, कहा पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर नवाज शरीफ ने किया सबसे बड़ा देशद्रोह। दिवाली पर इकोनॉमी के लिए आई अच्छी खबर, त्योहारी अवसर पर मांग में तेजी, फरवरी के बाद पहली बार सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई। विश्व के सबसे बड़े आईपीओ पर लगा ग्रहण, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने एंट ग्रुप के आईपीओ पर रोक का आदेश दिया। रेलवे ने कुछ और छठ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की, अभी ट्रेनों का सामान्य परिचालन है बंद, कई महीनों से केवल चल रही हैं स्पेशल गाड़ियां। रिजर्व बैंक ने PNB पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, भुगतान और निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर की कार्रवाई, शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना। अमेरिका में चीनी सेना के नियंत्रण वाली 31 कंपनियों पर ट्रंप ने लगाया प्रतिबंध, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर, कहा खरीदी बिक्री रुकेगी।